नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मचिन में प्रथमे देखबा हेडलाइंस बालेश्वर सहदेव खुंटारु कोटी टंकार ब्रांड सुगार जबत क्राइम ब्रांच एसटीएफ एवं बालेश्वर पुलिस रो मिलित चढ़ाओ एक केजी धड़ा जहर जबत तीन गिरफ प्रत्याहार हेबो फॉर्म फिलअप विज्ञप्ति प्रत्याहार पाई बोर्ड सभापति को स्कूल और गणशिक्षा मंत्री निर्देश मैट्रिक फॉर्म फिलअप पाई पांच तारीख में प्रकाश पाई विज्ञप्ति विज्ञप्ति पर असंतुष्ट थे अभिभावक आज बिहार में अंतिम पर्याय मतदान पंद्रह जिले में 78 आसन पर वोटिंग 1204 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे 2,35,00,000 अधिक वोटर सका 9:30 पर्यंत 7.62% मतदान राजधानी ट्रिनिटी हॉस्पिटल रे बंधा पड़ा सब आईसीयू रे भल अच्छी कही लुटि ने लक्षाधिक टंका 19 दिन पर रोगी को मृत घोषणा कला हॉस्पिटल ढेंकानाल रे नगड़ा रो नजर विकास रो पोथी भितर हजी जाइछि एकुल सेकुल गार भाग्य मौलिक सुविधा रु ग्रामवासी वंचित शिक्षा स्वास्थ्य बिजुली ग्रामवासी को पाई सात सपन राज्यर विपर्यस्त विपर्यय परिचालना सरकारों पाखे ना 4,000 कोटी डिजास्टर फंडर हिसाब विनियोग प्रमाणपत्र देना विभिन्न जिला और विभाग ग्राउंड में भी संगीन स्थित क्षतिग्रस्त को एजाए मिलनी सहायता शेष आज हो जय कैंसर सचेतनता दिवस प्रति 6 जन कैंसर कारण जनों मृत्यु 2018 में व्याधि नहीं 90,60,000 लोकों जीवन एथर संपूर्ण खबर एसटीएफ पंचायत ब्राउन सुगर माफिया बालेश्वर में 3 जन ब्राउन सुगर माफिया को गिरफ्त करने सह 1 केजी अधिक ओजन धला जहर जबत कर एसटीएफ बालेश्वर सहदेव खुंटारु जबत कर बालेश्वर पुलिस सहायतार एसटीएफ यह चढ़ाऊ कर सहदेव खुंटर होटेल ज्योति सागर निकट में चढ़ाऊ होता सूचना रही अभियुक्त मैंने मस्जिद गलीर एसके जमीर नयाबजार प्रभात कुमार सेठी और काशी मेला सुकराजर जशवंत बाघ 3 जन जाक अभियुक्त बालेश्वर जिलार सहदेव खुंट पुलिस सर्च काल में प्राय 1 किलो ब्राउन सुगार जबत होतीत अगर किसी अपराधिक सामग्री जबत होता सूचना रही प्रत्याहार हेबो मैट्रिक फॉर्म फिलअप विज्ञप्ति प्रत्याहार पर बोर्ड सभापति को स्कूल और गणशिक्षा मंत्री निर्देश देते मैट्रिक परीक्षा फॉर्म फिलअप पांच तारीख में प्रकाश पाई विज्ञप्ति यापर असंतुष्ट थे अभिभावक और छात्र छात्री पाठपढ़ा हो छात्र छात्री परीक्षा देते नहीं प्रश्न उठी तेज स्कूल न खोल को गणशिक्षा विभाग निष्पत्ति पर विज्ञप्ति प्रत्याहार पर निर्देश देते समीर दास फर्म फिलअप नोटिफिकेशन को विथड्र करने कारण हूँ आम स्कूल खोल पिला को पाठ पढ़ेनु अनल पिला को पाठ पढ़े अनेक पिलाल पाठ सहित सामिल हो पारिना तेणु बर्तमान जो फर्म फिलअप जो नोटिफिकेशन हो तार आवश्यकता ना से संपर्क में सरकार परवर्त अवस्था विचार करेंगे निष्पत्ति करेंगे कौन तरह निष्पत्ति हम तेणु निर्देश मुझे जो नोटिफिकेशन कर फर्म फिलअप प्रत्याहर करने बदली ओली बदली भारत प्रति आभिमुख्य साम्राज्यवादी चीन रो खल वृद्धि द्वारा परिचालित तो होई किछि मास हला भारत विरोधी आभिमुख्य ग्रहण करी आसुथिले नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत और नेपाल मध्यरे संपर्क बहुत पुराणा एवं स्वतंत्र बोली कही द्विपाक्षिक समस्या कथाबार्ता माध्यम रे समाधान करबाकू ओली एबे जोर दैछन्ती चीन बुद्धिरे परिचालित होई भारत विरोधी आभिमुख्य ग्रहण करथिले ओली एबे किंतु भारत प्रति बदलुची नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आभिमुख्य भारत और नेपाल मध्यरे दीर्घ एवं विशेष संपर्क रही बोली ओली कथाबार्ता माध्यम द्विपाक्षिक संपर्क में सुधार आने को प्रस्ताव शुक्रवार भारत स्थलसेना मुख्य और नेपाल प्रधानमंत्री मध्य आलोचना स्थलसेना मुख्य मनोज मुकुंद नरवणे को प्रदान कर नेपाल सेनार जनरल सम्मान साम्राज्यवादी चीन रो बुद्धि रे परिचालित होई किछि मास होला तीव्र भारत विरोधी मनोभाव पोषण करि आसुथिले नेपाल रो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सेति पई निज देशरे एवं निज दलरे भी हेउथिले विरोध रो शिकार भारत भली एक पारंपरिक बंधु राष्ट्र सहित विवाद को सहजरे नै नथिले से देशर राजनेता एवं जनसाधारण शेषरे एबे नरमी छंती ओली बदलै छंती तांकर भारत विरोधी आभिमुख्य तीन दिनिया नेपाल गस्तरे थिबा भारतर स्थलसेना मुख्य मनोज मुकुंद नरवणेको सह शुक्रवार काठमांडू तांको सरकारी बासभवन रे द्विपाक्षिक संपर्क उपरे आलोचना करिसेंति ओली
आलोचना कालरे कहिसेंती भारत नेपाल मध्यरे दीर्घ वर्षर एवं विशेष संपर्क रही आसी द्विपाक्षिक समस्या कथाबार्ता माध्यम समाधान हेबो बोली से आशा प्रकाश करिसेंती। दुई देशर सरसेना मुख्य को महारथी उपाधि सम्मानित करिवार परंपरा मध्य रही आसी बोली मने पकाई देछेंती ओली। गुरुवार दिन भारतीय स्थलसेनार मुख्य नरवण को नेपाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी तांको सरकारी बासभवन रे नेपाल सेनार जनरल उपाधि रे सम्मानित करथिले। भारतर स्थलसेना मुख्य नरवण को नेपाल गस्तर उद्देश्य रहिछि दुई देशर सीमा को नहीं सृष्टि होइथिबा विवादर समाधान रास्ता बाहर करी पूर्ण पुरना संपर्क को फेराय आनिबा। चीन बुद्धि रे परिचालित नेपाल भारतर किछि अंश को निजर बोली दाबी करी एक नुआ मैप प्रस्तुत करिछि जा दुई देश मध्यरे विवादर मुख्य कारण पलटिछि। एबे भारत प्रति बदलुथिबा नेपाल रा अभिमुख्य चीन विरुद्ध रे भारत रे एक कूटनैतिक विजय बोली कह जाय पारे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अपड़ाहांडी ब्लॉक को झाड़कुसुमी गाँव कजरी गोच रास्ता निकट में निआ लगी लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट हो जाएगी। पापड़ाहांडी ब्लॉक को तुम्बरला गाँव सोमरंजन साहू को झाड़कुसुमी ग्राम कजरी गोट रास्ता निकट में रही निज चार एकर चाष जमी में खरीफ चाष कर अमल निज चाष जमि में गच्छित कर रखी थे। चाष अमल करने निम्ते ट्राक्टर और ड्रेसींग मेसीन लगे 15-20 बस्ता धान अमल कर हठात संध्या 4 बेले ट्राक्टर साइलेन्सर में धूआ बाहर पर धान गदारे निआ लगी निआ लगे देखि सेठे काम करुवा कुल मजूरिया निआ को आयत्त करने को चेष्टा करते कि हुतु हुतु हो अमल कर धान ड्रेसर मेसीन और ट्राक्टर निआ लगे जलीगला। किसी ग्रामवासी घटनास्थल में पहुंच निआ लिभा चेषा करते कि निआर प्रकोप एत परिमाणर था निआ को आयत्त करने को गाँव लोके साहस जुटाई पार नथिले। परे गाँव लोके अग्निशम विभाग को फोन जोगे सूचना देते अग्निशम विभाग कर्मचारी घटनास्थल पहुंची लगी निआ को आयत्त करते। IIT समापर्तन उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण रखुचंती आसंतो सीधा सलक सेठी नजर पके मेक मोस्ट यूज ऑफ दिस एंड थिंक ऑफ द ब्राइटर साइड टू यू आर आल्सो अ लकी बैच यू वर एबल टू एंजॉय रोंदेवू इन योर फाइनल ईयर ऑन कैंपस। See how different things were last October and this October. You will look back fondly at all nights in the library and reading room before the exams, late night paratha at the night mess, the coffee and muffin between lectures. I am also told IIT Delhi has two type of friends, college friends, hostel video game friends. You will sorely miss both. Sathiyo, इसके पहले मुझे IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT गुवाहाटी के कॉन्वोकेशंस को भी इसी प्रकार से अटेंड करने का अवसर मिला और कहीं पर रूबरू जाने का अवसर मिला। इन सभी जगहों पर मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेट हो रहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। COVID-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है, ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को,
टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए, आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। दो दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। करीब करीब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। एक प्रकार से सरकार अब की मौजूदगी महसूस नहीं होगी, हर एक पर भरोसा किया गया है। इससे बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंस का जो बर्डन रहता है, भांति भांति के बंधन रहते हैं, सब कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। ये देश के आईटी सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटेटिव बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके देगा। साथियों, आज देश में आपकी एक एक जरूरतों को समझते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, पुराने नियम बदले जा रहे हैं। और मेरी ये सोच है कि पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी का भविष्य तय नहीं हो सकता है। नई शताब्दी, नए संकल्प, नई शताब्दी, नए रीति रिवाज, नई शताब्दी, नए कानून। आज भारत उन देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है। स्टार्टअप इंडिया इस अभियान के बाद से भारत में
50,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। सरकार के प्रयासों का असर है कि पिछले 5 वर्षों में देश में पेटेंट की संख्या 4 गुना हो गई है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में भी 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें भी फिनटेक के साथ साथ आपण दिल्लीरु देखुथिले सीधासळख दृश्य जे आईआईटी दिल्लीर समापर्तन उत्सवें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशक संबोधित करुथिले। आसे परवर्ती खबर को सरकार किन्नरको स्वतंत्र मान्यता देवा सह स्वाभाविक जीवन निर्वाह सकाशे चाकरी क्षेत्र में निजुक्ति आणिबा परे कुचिंडा विज्ञापित परिषद में प्रथम जणे किन्नर को अवस्थापित करथिबा देखा जाइछि। तृतीय लिंग को समाज सबुबेले आड़ आखिरे देखिथाय, किंतु से निजर परिश्रम और अध्यावसाय बल में आज सफलतार पहाचरे पहुंचि पारिछन्ति। देवगढ़ जिला बारकोट ब्लक खुलुंडीपुर गाँव रे माया किसान बनाम माया किन्नर परिवार रे बापा और माँ आरपारी को चली जाइथिबा बेले से छोटो भाई को नहीं आग को बढ़िबार स्वप्न देखिछन्ते। परिवार रो बड़ होइथिबारो भाई रो दायित्व तांको उपरे जहाँ फल रे से बहुत संघर्ष करिछन्ते। माया किन्नर तृतीय लिंग बोली जानिबा परे से विभिन्न समस्या दे गति करूथिले, अनेक झड़ जंजाल रे फसी जाइथिले जे बाध्य होई जे राती रे टोलगेट जिबा विभिन्न स्थान रे कलेक्शन करबा सहित प्लेटफार्म रे लोकंकु सहायता मागेबा भले काम करूथिले। एबे से चाकरी खंडिए पाइबा परे बहुत खुशी अनुभव करछन्ते। एबे कुचिंडा एनएससी रे ऑफिस सहायक एनयूएलएम भाबरे कार्य आरंभ करछन्ते। तृतीय पर्याय मतदान पर बिहार में मतदान जारी रही। 15 जिले में 78 आसन पर वोट ग्रहण जारी रही। सकाल 7 आरंभ हो मतदान प्रक्रिया, सकाल 9:30 पर्यंत 7.62% मतदान हो, संध्या 5 जाए वोट देपारे वोटर। तेज आज 1204 जन प्रार्थी भाग्य परीक्षा करेंगे 2,35,00,000 रु अधिक वोटर। तेज 24 सीट उपर समस्त दलय नेता नजर रही। सीट गुड़िक मुसलमान भोटर मान संख्या अधिक। पूर्व निर्वाचन में बीजेपी खाता को 20 आसन जाता, सेपरी कांग्रेस एही 78 आसन मध्यरु 11 आसन जीतिथिला। बरगढ़ जिला पई गौरव आणिले पद्मपुर महुलापाली युवक जगन्नाथ सेठ। अंतर्जातीय चलचित्र रे अभिनय करिवे बरगढ़ पुओ, प्रथमे थिएटर रे अभिनय आउ एबे अंतर्जातीय स्तर रे फिल्म रो अभिनय करी सेबे चर्चा रे। प्रथम थर पर अंतर्जातीय चलचित्र रे नायक भूमिका रे अभिनय कले बरगढ़ जिला पद्मपुर महुलापाली ग्राम रो जगन्नाथ सेठ। आसामर सेमखोर पहाड़ नाम रे आदिवासी जीवनशैली आधारित तो फिल्म निर्माण होउछे। तेबे पहाड़ नाम अनुजाई फिल्म रो ना सेमखोर रखा जाइछे। पहाड़ अंचल रोकवा दिमासा आदिवासी प्रथम थर पर यह फिल्म तैयारी। स्वाधीनतार 73 वर्ष पर आज भी से अंचल लोके मोबाइल कौन जाणी ना एमती कि एठाकार लोके पानी को भगवान बोली मान था आठारे 12 वर्षर झील पुओं को था। दुनिया डिजिटाल युग आग को गति करे अंचल लोक एसबुर विच्छिन्न, तेरे यह अंचल जीवनशैली को आधार कर प्रथम थर यह फिल्म निर्माण करा जाइछे। तेबे फिल्म रे मुख्य भूमिका रे बरगढ़ युवक जगन्नाथ सेठ अभिनय करछन्ते। भारत रे पहला है करे से जनजाति उपरे गुटे सिनेमाटे बनुछे जेन सेनर जेन सीएम अछन से सीएम रो ताकर सपोर्ट थिन से लैंग्वेज के से ताकर कल्चर के फटा के बाहर करवार लागि से ई सिनेमाटा बनाय छे। से सिनेमा रो पर्पस है कि भारत बाहर भी बहुत सारा 10 देश रे सेटा के रिलीज करवार प्लान रे अछे। कहला जे हमर भारत रो से जनजाति उपरे आज तक भी केहे नै जानबार त से ठन के रास्ता भी नै न आउ सेनर लोग मने तापर एजुकेशन भी है कि किछ नै न किंतु एतकी नी थे कि भी हमको गोटे सिखवार के जरूरी है कि एतकी से हमको किसी जरूरत नहीं न आउ से मने यहाँ भी तापर सुखर जीवन जापन जीवन से मनकर एज यहाँ भी देखे बोले 120-110 वर्ष तक से मने जी पाउछन बिना मिर्चा मसला खाई करी से मने सब बहुत सुखर हेल्दी जीवन टे जीवन। तेबे सबुठ बड़ कथा है जगन्नाथ से अंचल भाषा को सीखी डबिंग निज भयस
जगन्नाथ मुख्य नायक थिबा बेले आसामरे सुनामाधन्य अभिनेत्री आइम बरुआ अभिनेत्री भूमिका नेइछन्ते। तेबे जगन्नाथ पद्मपुर महुलपाली ग्रामरे जन्म ग्रहण करिथिले। प्रथमे से कॉलेज जीवनरे नाट्यकार केशवरंजन प्रधान नाट्य संस्थारु लूरे अभिनय आरंभ करि थिएटर मानकरे कला प्रदर्शन करथिले। फटाफट दाढ़ी बना देता हूँ, टाइम नहीं है, मैं चलाता हूँ, तू बना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रो 2010 रे स्नातक लाभ करबा परे जगन्नाथ प्रथम थर पई बड़ पर्दा रे मुख्य भूमिका रे अभिनय करछंती। आसाम रो गुटे जनजाति ऊपर ए फिल्म बने छे जे एतकी बर सलानो दुनिया आके एतकी गलानो किंतु सेनर जनजाति आज तक भी से माने गुटे सुखर जीवन जो जन खेती खेतीबाड़ी करी करा करी सेमने ताकर एक गुटे जीवन ते जो छन आउ समकर कहबार अनुसार जे फिल्म टा जदि रिलीज हेबा बले हमर ई डिमासा भाषा रे रिलीज हो सेथि लागि जेकी भी ट्रेनिंग होतला से फिल्म लागि सेटा मुई करिछे सेटा बहुत मेहनत परे एजन गुटे से फिल्म रे गुटे लीड रोल टे पाइथिले आउ सेटा यहादे जस्ट सॉरी छे तीन तीन चार मास रो गुटे कठोर परिश्रम थे एतकी दूर के आमे पहुंची छौ। तेबे फिल्म को आसाम रो समीर शशांक निर्देशन देथवा बेले नायिका आइमी बरुआ प्रयोजना करिसेंते। फिल्म टी आसंता वर्ष रिलीज हेबाकु थिबा बेले भारत सह 10 रो अधिक देश मानकरे मुक्तिलाभ करबो बोली जणा पडिछे। बरगड़ पद्मपुर प्रदीप कुमार साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बिहार में आज तृतीय पर्याय निर्वाचन जारी रही तबे 15 जिले में 78 आसन पर आज मतदान भोटर माने मतदान देउछंती। सकाल 7:00 रु आरंभ होइछि मतदान प्रक्रिया। सकाल 9:30 पर्यंत 7.62 मतदान करा जाइथिला। संध्या 5:00 जाए भोट दे पारिबे भोटर। तबे संपर्कित अधिक तथ्य पई सदासलक बिहार को जिबा। बिहार आम सहित जोड़ी होइछंती आम प्रतिनिधि इमरान खान जोड़ी होइछंती। इमरान जानिबा को चाहिबा दुईट पर्याय मतदान बिहार में सरी सारी आज तृतीय पर्याय निर्वाचन होउछे तबे कौन रही परिवेश से निर्वाचनी परिवेश एवं वर्तमान सुधा केते प्रतिशत मतदान हलाणी चिन्मय देखु बिहार में जो वर्तमान चलती तृतीय पर्याय व शेष पर्याय मतदान से पूरापूरी भाव में भोटर मैंने आसिकी मत सब्यस्त कर सकाल 7:00 भोटिंग प्रक्रिया आरंभ हो जाए मतदान प्रक्रिया आरंभ हो जाए जेहतु गणतंत्र महापर्व समस्त आसिक सामिल होती आज जेहतु शेष पर्याय 78 आसन पर मतदान होती 1204 जन प्रार्थी होती 2,35,00,000 ऊर्ध्व भोटर अच्छा जो मैंने 1204 जन प्रार्थी भाग्य को निर्धारण करते आम बर्तमान गोटे बूथ में बर्तमान अच्छे जोटा को कह जाए बिहार विधानसभा जो दरभंगा विधानसभा निर्वाचन मंडल रही तारी गोटे बूथ में उपस्थित बर्तमान अच्छे सीधासल दृश्य बर्तमान आप देखी पार्थे सब भोटर मैंने आसिक ये समस्त लाइन लगी सब भोट दूसरी मत सब्यस्त करेतु सकाल 7:00 बर्तमान भोटिंग प्रक्रिया आरंभ होती संध्या 6:00 जाए चलो और बर्तमान सुधा 19.40% भोट भोटिंग बर्तमान होती जेहेतु संध्या 6:00 जाए भोटिंग प्रक्रिया चलो और जो कहुच्च संध्या 5:00 एक घंटा समय रखी ताकि केवल जो मैंने कोरोना संक्रमित थे जो समय दीजिए कि पूर्व जो भोटिंग प्रक्रिया बर्तमान जारी रही शेष पर्याय मतदान में समस्त को सामिल हाँपे कहुच्छ समस्त आसिका आसिक मत सब्यस्त करेंगे गणतंत्र महापर्व समस्त सामिल होते अधिक गुरुत्व दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समस्त को सामिल हाँपी जेहतु आज शेष पर्याय मतदान होती 78 आसन पर होती निहत भाव लोकों भितर गोटे उत्साह लगी रही से मत सब्यस्त करते बाछे कौ प्रकार सरकार से चाहते बिहार विधानसभा मुकुट क्या पिंधे से ही परिप्रेक्षी से मतदान होती अंपटे आप देखिए कोविड गाइडलाइन होती कोरोना कटक मध्य बर्तमान मतदान होती महिला मान गोटेपट लाइन अच्छी युवक मैंने अनेपट अच्छा अनेपटे पुरुष मैंने लाइन में ठिया समस्त भिन्न भिन्न प्रकार लाइन लगे लगे समस्ते मास्क पिंधि और समस्त हाथ को सानिटाइज कर सहित मास्क जो पिंधिक जो आसो हाथ को सानिटाइज करापर भर थर्मल स्क्रीनिंग स्वतंत्र ग्लोवस दि जाए जो ग्लोवस पिंधिके से भितर भोट दूसरी ईवीएम मशीन में प्रार्थी भाग्य को कैद करते जेहतु आप देखते हैं बर्तमान आसिकी 11:25 होगा आसाणी और भोटिंग प्रक्रिया बर्तमान सुधा
ଦେଇ ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ମତଦାନ ହେବ ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ବିହାର ସରକାର ପୋଲିସ ପଦେ ସମସ୍ତେ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ କରାଇବା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ମତ ନେବା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୁବ ଭୋଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଟୋ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆପ ଭୋଟ ଦେଇ ଜା ରହି ହଁ ଜି ବିଲକୁଲ କୋରୋନା କି ବିଚ ପେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜା ରହି କେସା ଲାଗ ରହା ହେ ଅନୁଭବ କେସା ରହେଗା? अनुभव सही रहेगा, देखना है सारी जनता आ रही है वोट देने के लिए, सबका मत है अपना अपना। क्या वोट देने जा रहे हैं? मुद्दा तो पूरे देश में एक ही है, बेरोजगार आदमी है, उसको रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? ବେରୋଜଗାର ମୁଦ୍ଦା ତ ବିକାଶ ମୁଦ୍ଦା ବେରୋଜଗାର ମୁଦ୍ଦା ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନେ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନଥିଲୁ। ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେହେତୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସବୁ ଭୋଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମ ଦେଶର, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଜିନ୍ମୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଏଠାକାର ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଯୁବ ଭୋଟର ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଭାଇ ଭୋଟ ଦେଇକି ଯା ରହେ ଜି, କେସା ଅନୁଭବ ରହେ କୋରୋନା କି ବିଷୟ ଆପ ଜାନେ ଭୋଟ ଦେଇ କି? ଆଚ୍ଛା ଅନୁଭବ ଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ ହେ, ବଟ୍ କରୋନା ତୋ ଆପଣ ଜାଗା ହେ, ବଟ୍ ଭୋଟିଂ ବି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବନତା ହେ ଦେନେ କା। ପହଲି ବାର ଭୋଟ ଦେ ରହେ ହେ, କ୍ୟା ଉମ୍ମୀଦ ରଖ୍କେ ଭୋଟ ଦେ ରହେ ହେ? ଇସ୍ ବାର ଉମ୍ମୀଦ ୟହି ହେ କି କୁଛ ନୟା ବିକାଶ ହୋଗା, ଔର ବେରୋଜଗାରୀ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେ तो वो चीज़ हटना चाहिए। अच्छा, और क्या नई सरकार तो बननी चाहिए क्योंकि नुआ सरकार ऐसी जहाँ भी आसो कितु लोगों को वोटर वोटर को मूड बदल देखते और किसी वोटर अच्छे भैया जा रहे हैं वोट देने? हाँ जी। कैसा अनुभव रहेगा कोरोना के बीच में जा रहे हैं वोट देने? कोरोना के बीच जा रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, काम धंधा की बहुत दिक्कत, बाहर जाना पड़ता है। इस पर नया कुछ कारखाने खाने लगेंगे तो कुछ विकास होगा, और यही उम्मीद पर दे रहे हैं। तो भरोसा देखुले चिन्मय जो से प्रसंग कहते नुआ सरकार किए आसपा विकास किए कर कौन सब विकास मुद्दा रही शिक्षा मुद्दा रही रोजगार मुद्दा रही विभिन्न प्रसंग को मुद्दा करते बिहारवासी कहीं जानते हैं आपड़ जिते बड़े बिहार में भोट हुए जिते बड़े निर्वाचन आसे जातीय समीकरण ये सब बड़ा फैकस सब बड़ा फैक्टर रही है। कितु चलित थर जहाँ देखाई पूरा बिहार विधानसभा निर्वाचन कहपरिया आम पूरापूरी भाव में समीकरण बदली जाइए समस्त इटि विकास मुद्दा रोजगार मुद्दा शिक्षा मुद्दा को लेकिन थोड़े मतदान होगा निर्वाचन होभिन्न जगार सभा ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଥିଲେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ବିହାରବାସୀ କାହାକୁ ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାର ବିଧାନସଭାକୁ କିଏ କବ୍ଜା କରୁଛି ତାହା ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ମୟ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ବିହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ବିହାରର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନୀ ବା ମତଦାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମତଦାନରେ ଆଜି ଯାହା ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରରେ ଆସିବ କିଏ ନୂଆ କିଛି ବିକାଶ ନେଇକି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଫଳାଫଳରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ବିହାରବାସୀ ଏବଂ କିଏ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆସୁଛି। ସମୟ ସରିଛି। ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।